तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की के कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम राया होता है और जिस जगह वो रहती है वो उसकी पास्ट की कुछ स्टोरी बता रही है कि कुछ साल पहले ये लैंड काफी प्यारा हुआ करता था। ऐसे लगता था जैसे कोई जन्नत का हिस्सा हो। यहाँ पर इंसान और ड्रैगन्स मिलके रहा करते थे। सब हंसी खुशी रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, खाना साथ खाते थे, इवन खेलते भी साथ थे। ड्रैगन्स के और इंसानों के बच्चे एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे। लेकिन एक दिन अचानक हमारे लैंड को किसी की नजर लग गई और यहाँ पे इविल स्पिरिट्स आ गईं। उन इविल ने हमारे लैंड पर अटैक करना शुरू कर दिया और वो जिसको भी टच करते थे वो पत्थर का बन जाता था। वो हमारे लैंड के पीस से खुश नहीं थे। वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करते गए, इवन ग्रीनरी भी, और सब लोगों को पत्थर बनाते गए। लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था तो एक छोटा सा ड्रैगन जिसका नाम सीसु था वो इनसे बच गया और उसके कुछ भाई भी थे। इनके अलावा बाकी सारे ड्रैगन और इंसान पत्थर बन चुके थे। तो इन सब ने मिलकर एक प्लान किया कि हमारे पास जितने भी पावर्स हैं हम उसे एक जेम में यानी एक पत्थर में जमा कर देंगे। उसमें हमारा प्यार है, पीस है और केयर है और ये जरूर उन इविल स्पिरिट्स को मार डालेगी, खत्म कर देगी उनके मैजिक को। हम इसको यूज करके सब ड्रैगन्स को और सब इंसानों को पत्थर से हटाकर दोबारा से नॉर्मल कर देंगे। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया और उन सब भाइयों ने मिलकर एक पत्थर में यानी एक जेम में अपनी सारी पावर्स, अपना सारा प्यार डाल दिया। और फिर उसके बाद जब वो उन इंसानों के पास लाए जो कि पत्थर के बने हुए थे तो सरप्राइजिंगली वो इंसान भी ठीक होने लगे। लेकिन यहाँ पर दुख की बात ये थी कि उस पत्थर का उन ड्रैगन्स पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो ड्रैगन्स पत्थर के ही बने रहे और नॉर्मल कभी भी ना हो सके। लेकिन जिस जेम में इन्होंने वो सारी चीजें डालकर उसको तैयार किया था उसके पीछे बाकी लोग पड़ गए और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि हम इस पर और काम करें और बाकी ड्रैगन्स को भी नॉर्मल किया जा सके। तो हमारे इस लैंड के 5 हिस्से हो गए जब लोगों में लड़ाइयाँ डल गईं। हमारा लैंड बहुत ही प्यारा हुआ करता था। इसमें नदियाँ थी, बाग थे, लोग मिलकर रहते थे। लेकिन सिर्फ उन्हें एक इविल की वजह से हमारा लैंड 5 अलग हिस्सों में वाइट होकर रेगिस्तान बन गया, एक डेजर्ट बन गया। और ये स्टोरी राया काफी सैड होकर सुना रही होती है कि उसके बाद से हमारे लैंड में सीसो के अलावा कोई भी ड्रैगन नहीं बचा। अब राया भी इसी लैंड की एक छोटी बच्ची थी। उसके पास एक हेजहॉग जैसा छोटा सा क्यूट सा पेट था। राया को एडवेंचर्स करने का काफी शौक था और वो हर जगह अपने पेट को भी अपने साथ लेकर जाती थी। एक दिन वो एक जगह से गुजर रही होती है जहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैप्स लगे हुए थे। वो उनको पार करके जिस जगह पर पहुँचती है वो जगह काफी ऊंची होती है और वहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि वही जेम पड़ा हुआ था जो कि सीसु और उसके साथियों ने वहाँ पर रखा था और उसके पीछे काफी ज्यादा लोग थे। वहाँ पर वो देखती है कि कोई आदमी उसकी हिफाजत कर रहा होता है, उसको गार्ड कर रहा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि राया के फादर ही थे जो कि वहाँ के चीफ भी थे और सब लोग उनकी काफी इज्जत करते थे। यानी राया वहाँ के चीफ की बेटी हुई और वो भी सारे लोगों से बहुत प्यार किया करती थी। अब यहाँ पर राया के फादर उसे कहते हैं कि मेरी बेटी क्यों ना हम एक छोटी सी फाइट करते हैं, जिस जगह पर ये जेम है यहाँ पर कोई नहीं आ सका और अगर आज तुम इसके अंदर आ गई तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी बेटी काफी स्ट्रांग है और इस जेम को हासिल कर सकती है, तो क्यों ना हो जाए शुरू। और फिर हम देखते हैं कि राया उसके अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है और उसके फादर उसे रोक रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ही प्यारी तरह से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। राया को एडवेंचर्स करने का बचपन से ही शौक था इसलिए वो यहाँ पे फाइट तो नहीं जीत पाती, लेकिन जिस सर्कल के अंदर वो जेम था वो सर्कल को टच कर लेती है जिसकी वजह से उसके फादर काफी खुश होते हैं कि मेरी बेटी हर चीज कर सकती है। और वो उसे कहते हैं कि देखा, मैं जानता था कि मेरी बेटी मेरे साथ ही इस जेम को गार्ड करेगी, मुझे फखर है तुम पे। उसके बाद राया के फादर अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि देखो बेटा, तुम जानती हो ना कि हमारा कुमांड्रा लैंड कितना प्यारा था, लेकिन लोगों की लड़ाई की वजह से वो अलहदा हो गया और इस एक जेम के पीछे सब लोग हमसे दूर हो गए, तो हमें दोबारा से प्यार से उन सबको एक साथ करना है और अपना लैंड दोबारा से ठीक करना है। और इसके लिए तुम जानती हो मैंने आज क्या किया है, मैंने एक बहुत बड़ा डिनर रखा है जिसमें मैंने बाकी सारे लैंड के लोगों को भी बुलाया है और उम्मीद है कि सब लोग आप इसमें सुलह कर लें, तुम भी दुआ करना। अब हम देखते हैं कि डिनर स्टार्ट होता है और तरह तरह के खाने लगाए जाते हैं। वहाँ पर बाकी लैंड के भी लोग आते हैं। इसी तरह किसी दूसरे लैंड के चीफ की भी बेटी होती है जिसकी एज बिल्कुल राया जितनी ही होती है।
उन दोनों की आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों मिलकर लैंड की बातें करने लगती हैं और फिर उसका मैप देखने लगती हैं। यहाँ पर हम पे ये रिवील होता है कि सीसू एक फीमेल होती है, यानी वो एक फीमेल ड्रैगन थी और वो काफी अरसे से किसी नदी के नीचे गहरी नींद सो रही थी। यानी जब सब ड्रैगन्स मारे गए तो उसने सोचा कि अब मेरा इंसानों में क्या काम है, और वो इनकी लड़ाइयों की वजह से इनसे दूर चली गई। तो ये दोनों प्लान करती हैं कि हम उसे ढूंढेंगे और उसे वापस लाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छी ड्रैगन थी। तो वो दूसरे चीफ की बेटी राया को एक पेंडेंट गिफ्ट करती है और उन दोनों में अब काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। राया दिल की बहुत अच्छी होती है तो वो समझती है कि वो लड़की काफी अच्छी है। वो अपने फादर के मना करने के बावजूद भी उसे बता देती है कि जेम कहाँ पर है, और अब वो दोनों उस जगह पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आते ही वो लड़की चेंज हो जाती है और वो बेचारी राया को धक्का दे देती है क्योंकि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वो जेम हासिल करना था। वो पूरी लड़की राया से कहती है कि बस तुम लोगों ने इस जेम का बहुत ख्याल रख लिया, ये हमारे ट्राइब के पास आएगा। जाहिर है हमारा भी इस जेम से कोई ना कोई लिंक है। और ये कहते ही वो पूरी लड़की आसमान की तरफ कोई ग्लोई चीज फेंकती है, यानी वो अपने लोगों को सिग्नल देके यहाँ पर बुला रही थी कि जेम यहाँ पर ही है, और ये इसका प्री प्लान था। देखते ही देखते उसके ट्राइब के सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो लोग वहाँ पर आकर जेम के लिए लड़ने लगते हैं। और जब वो एक दूसरे से जेम छीन रहे होते हैं तो वो जेम नीचे गिर जाता है और उसके 5 टुकड़े हो जाते हैं। जब राया के फादर वहाँ पर आते हैं तो ये देख के काफी सैड होते हैं, और सबसे बुरी बात ये थी कि उस जेम के टूट जाने की वजह से वो इविल स्पिरिट्स दोबारा से जिंदा हो चुकी थी और उन पर अटैक करने वाली थी। अगर वो लोग जल्द कुछ ना करते तो वो उनको दोबारा से पत्थर में बदल देते, और अब तो ये जेम भी टूट चुका था तो वो खुद को ठीक कैसे करते। तो राया के फादर जल्दी से जेम का एक टुकड़ा उठा के उन इविल के सामने करते हैं, जिसकी वजह से वो इविल उनसे दूर होने लगते हैं और कुछ टाइम के लिए वो अपनी बेटी को, अपने किंगडम को और खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब वहाँ पर बाकी ट्राइब के भी जो लोग आए होते हैं वो भी एक एक पीस उठा लेते हैं और खुद को प्रोटेक्ट करने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। उन्होंने जरा ख्याल नहीं किया कि राया के फादर ने किस तरह से उन लोगों को डिनर पर प्यार से इनवाइट किया था, लेकिन यहाँ पर तो वो लोग लड़ाई करने आए थे, उस जेम को लेने आए थे। जब राया के फादर उन इविल स्पिरिट से सबको बचा रहे थे तो उस दौरान वो काफी जख्मी हो गए थे। अब वो भी राया के साथ उन लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, लेकिन जख्मी होने की वजह से उनसे भागा ही नहीं जाता। तो वो वहाँ पर अपनी बेटी राया से कहते हैं कि मेरी प्यारी बेटी, मुझे तुम पे बहुत ट्रस्ट है। मैंने तो उस दिन ही ये जान लिया था कि मेरे बाद तुम इस जेम की हिफाजत करोगी। मैं यहाँ ही रुक रहा हूँ और आगे से तुम्हें इस जेम को और अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना होगा। और इसी के साथ वो अपनी बेटी को उसी जेम के साथ उस रिवर में धक्का दे देते हैं, और तभी वहाँ पर वो इविल स्पिरिट्स आती हैं जो राया के फादर को पत्थर का बना देती हैं। अब यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। तो ये थी सारी पास्ट की बातें जो कि राया खुद बता रही थी, और अब राया बड़ी हो चुकी थी, 6 साल गुजर चुके थे, और राया के फादर ने जो से कहा था उस पर काम कर रही थी, यानी जेम को प्रोटेक्ट भी कर रही थी और साथ साथ सीसू ड्रैगन को भी ढूंढ रही थी जो कि उसके मुताबिक किसी नदी के नीचे था। वो उसे इसलिए ढूंढ रही थी ताकि सबको दोबारा से ठीक किया जा सके और वो अपने फादर को भी पत्थर से दोबारा नॉर्मल इंसान बना सके। अब तो राया का पेट भी काफी बड़ा हो चुका था, उन दोनों का बॉन्ड काफी अच्छा था और वो हर जगह एक साथ जाया करते थे जैसे पहले जाया करते थे। अब फाइनली राया इतने अरसे के बाद उस नदी के किनारे पहुंच ही चुकी थी जहाँ पे उसे लगता था कि सीसू ड्रैगन है। वो कई ट्राइज करती है और फाइनली वो सीसू को जिंदा कर देती है। वो आती है और सीसू से प्यार से कहती है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब तुम जिंदा हो ही चुकी हो तो मेरी सारी बातें सुनो, मैं काफी परेशान हूँ और तुमने मेरा साथ देना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीसू बहुत ही ज्यादा क्यूट ड्रैगन होती है, और जैसे ही वो जेम को देखती है तो वो खुशी से पागल हो जाती है और कहती है कि तो वही जेम है जो कि हमने बनाया। वो ग्लो करने लगती है ब्लू लाइट में। तो राया कहती है कि हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग इसको दोबारा से बनाए ताकि मैं अपने फादर को ठीक कर सकूं। 6 साल हो चुके हैं वो पत्थर के बने हुए हैं। तो साथ ही सीसू इनोसेंट एक्ट करने लगती है और कहती है कि इसे तो मेरे भाइयों ने बनाया था और मैं काफी छोटी थी और मैंने तो उनके साथ मिलकर उन एविल से सिर्फ लड़ाई की थी। तो सीसू कहती है लेकिन एक हल जरूर है, अगर मुझे इस जेम के सारे पार्ट्स मिल जाएं तो मैं इसे जोड़ सकती हूँ, और फिर उसके बाद से तुम्हारे फादर को और किंगडम को ठीक भी कर सकती हूँ। सीसू हमें दिल के बहुत साफ ड्रैगन लग रही होती है। वो कहती है कि जेम के हर पीस में कोई ना कोई पावर छुपी हुई है, और एक मजे की बात बताऊं कि वो टच करते ही वो सारी पावर्स मुझ में आ जाएंगी। अब वो कहती है कि हम मिलके उन जेम के पीसेस को ढूंढेंगे और उन्हें एक साथ मिला देंगे। अब वो तीनों यानी सीसू ड्रैगन,
राया और उसका पेट उस जेम की तलाश में निकल पड़ते हैं, यानी उस जेम को ढूंढने के लिए। सबसे पहले वो जाते हैं कॉर्नर वाले ट्राइब में, जहाँ पर उन लोगों ने काफी ज्यादा ट्रैप्स लगाए हुए थे। अब राया क्योंकि एडवेंचरस थी और काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, तो उन ट्रैप्स को पार कर लेती है और यहाँ पर बड़ी आसानी से वो जेम का पीस उठा लेती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस जेम से जो पावर सीसु को मिली थी वो ये था कि वो किसी भी फॉर्म में बदल सकती थी, जिसे पाकर वो खुद भी काफी ज्यादा खुश होती है। वो पर्पल बालों वाली एक क्यूट सी लड़की बन जाती है और उसके बाद वो काफी ज्यादा खुश थी। लेकिन इस बात की खबर जब दूसरे लैंड को होती है, तो वही बुरी लड़की जिसने बचपन में राया को धोखा दिया था वहाँ पर अपनी कुछ आर्मी के साथ आ जाती है और उन पर अटैक करने लगती है। लेकिन राया और सीसु वहाँ से भाग जाती है। जब वो वहाँ से निकलते हैं तो उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जिसकी एक छोटी सी बोट थी। वो बहुत ही प्यार से इन दोनों से कहता है कि आप मेरी बोट में आ जाएं। लेकिन राया सीसु ड्रैगन से कहती है कि कभी भी किसी पर ट्रस्ट मत करना। लेकिन वो लोग देखते हैं कि बोट काफी आहिस्ता चल रही होती है, तो सीसु ड्रैगन जो कि स्विम कर सकती थी पानी में जाती है और दोबारा से ड्रैगन में बदलकर उस बोट को धक्का देने लगती है, जिससे वो बोट तेजी से चलने लगती है। वो छोटा बच्चा उन दोनों से कहता है कि उन एविल्स ने मेरी फैमिली को भी पत्थर का बना दिया और अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। उन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो अपना सफर एक साथ बातें करके गुजारते हैं। अब वो लोग पहुँच चुके थे तीसरे ट्राइब में, यानी लैंड के तीसरे हिस्से में। राया सीसु से कहती है कि तुम बोट में ही रहो, मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। लेकिन यहाँ पर उसके सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है जिसके पास तीन छोटे छोटे मंकीज थे। वो बंदर उसके जेम्स लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन राया का पीछा करती है और अपने जेम्स वापस हासिल कर लेती है। राया उन तीनों को पकड़ तो लेती है, साथ ही साथ उस छोटी बच्ची को भी, और फिर उनसे कहती है कि तुम लोग काफी चालाक लग रहे हो, काफी फुर्तीले भी हो, तो क्या मेरे साथ काम करना पसंद करोगे? इसके बदले में मैं तुम लोगों को काफी फ्रूट्स दूंगी और पैसे भी दूंगी। तो वो छोटी बच्ची बताती है कि मेरे पेरेंट्स को भी उन इविल ने पत्थर का बना दिया, मेरे पास और तो कुछ है ही नहीं करने को, तो मैं आपका साथ दूंगी। फिर वो लोग एक टीम बन जाते हैं। उतनी ही देर में हम देखते हैं कि सीसु ड्रैगन वहां पर पहुंच जाती है और लोगों से चीजें लेने लगती है, क्योंकि उसने ये सारी चीजें देखी ही नहीं थी कभी पहले। लोग उसे पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आती है और सीसु के मुंह से ये निकल जाता है कि हम यहाँ पर जेम लेने आए हैं। तो वो बूढ़ी औरत उसे अपनी बातों में लगाकर अपने साथ ले आती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेम का एक पीस इस बूढ़ी औरत के पास भी होता है। वो सीसु से कहती है कि मुझे जेम लौटा दो, वरना मैं उन एविल स्पिरिट्स को यहाँ पर बुला लूंगी और वो तुम्हारी जान ले लेंगे। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर राया आ जाती है। वो सीसु को बचाती है और उस बूढ़ी औरत से वो जेम ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग किसी और ट्राइब में जाते हैं पत्थर का चौथा हिस्सा लेने के लिए। लेकिन वहाँ पर जाते ही उन्हें एक आदमी पकड़ लेता है जो कि वहाँ का सबसे अच्छा वॉरियर था। और तभी वहाँ पर वो बुरी लड़की भी पहुँच जाती है जिसने राया को बचपन में पेंडेंट दिया था और जो धोखेबाज थी। वो उन पर अपने सोल्जर्स के साथ फिर से अटैक करने लगती है, लेकिन अब की बार राया भी उससे बराबर लड़ रही होती है। लेकिन जब सीसु ये देखती है तो वो फौरन से ड्रैगन में बदल जाती है और अपने मुंह से स्मोक निकालने लगती है, जिसकी वजह से राया की जान बच जाती है। लेकिन अब सबको पता चल चुका था कि सीसु एक ड्रैगन है। जब फौरन ये देखता है कि ये तो वही अच्छा ड्रैगन है जिसने कभी आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो वो उससे इम्प्रेस होके उसे वो चौथा पीस भी दे देता है जेम का और उसे कहता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। और अब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सीसु के पास ये पावर भी आ चुकी थी कि वो अब बारिश कर सकती थी। और अब जो आखिरी ट्राइब बच गया था जहाँ से उन्होंने जेम का आखिरी टुकड़ा लेना था, वो किसी और का नहीं बल्कि उसी बदतमीज लड़की का था जिसने राया को धोखा दिया था। तो सीसु उसे आइडिया देती है कि देखो, ऐसे क्या पता हमें वो जेम का टुकड़ा ना मिल पाए, क्योंकि वो लड़की काफी तेज है, तो क्यों ना हम उसे सुलह कर लें, उससे मिलकर वो जेम का टुकड़ा ले लें, क्योंकि बाकी चार टुकड़े तो हमारे पास ही हैं। हम उसे कहेंगे कि ये हमें लौटा दो और हम इसे मिलाकर अपने किंगडम को अच्छा बना लेंगे। लेकिन राया सीसु से कहती है, हर किस नहीं, सीसु राया से कहती है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, तुम्हें ट्रस्ट करना होगा और क्या पता तुम्हारे ट्रस्ट करने की वजह से सब ठीक हो सके। तुम तो एक अच्छे इंसान की बेटी हो ना। फिर सीसु उसे अपने साथ उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर सारे ड्रैगन्स पत्थर बन चुके थे। वो उसे अपने भाई भी दिखाती है और कहती है कि देखो, ये तीनों मेरे भाई थे।
लेकिन पत्थर बनने से पहले इन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे ये जेम दिया, और इसी के बाद ही तो मैं इस काबिल हुई कि मैंने उन एविल स्पिरिट्स को हरा दिया। और देखो, तुम्हारे फादर ने भी तो तुम पर ट्रस्ट करके तुम्हें ये जेम दिया था ना। सीसू की बातों का राया पे काफी असर होता है और वो मान जाती है उस लड़की से दोस्ती करने के लिए। फिर वो उस छोटी बच्ची को और उसके मंकीज को एक लेटर देती है और साथ वही पेंडेंट देती है जो उस लड़की ने उसे बचपन में दिया था। उस लेटर में सुलह की बात लिखी होती है, यानी कि दोस्ती कर लेते हैं हम। और जब वो लड़की ये लेटर पढ़ती है तो वो उसे उस जेम के साथ मिलने आती है, लेकिन वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही होती कि क्या ये जेम का टुकड़ा मैं इसे दे दूं या नहीं। लेकिन वो लड़की वो जेम का टुकड़ा नीचे पड़े पत्थर पर रखती है और अपनी एरो गन उठाती है। उसे लग रहा होता है कि इनकी कोई साजिश हो सकती है और ये सीसू ड्रैगन उस पर अटैक कर सकता है, लेकिन सीसू उसके पास आता है उसे काम डाउन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर उस लड़की से गलती हो जाती है, वो अपनी एरो गन से एक एरो उस सीसू ड्रैगन पर शूट कर देती है, जिसकी वजह से सीसू नीचे नदी में गिर जाती। जब वो लड़की नोटिस करती है तो काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो इविल स्पिरिट्स अब वापस आने लगी थी। सीसू पानी का ड्रैगन था और उसी की वजह से इस लैंड में पानी बाकी बचा था, वरना हर तरफ डेसर्ट बन चुका था। पानी खत्म होने लगता है और इस लैंड की बाउंड्री से वो इविल स्पिरिट्स आने लगती है। वो लड़की वहां से भाग जाती है और अब राया भी काफी ज्यादा वरिड होती है। जब राया को ये फील होता है कि सीसू अब मर चुकी है और उसके पास और कोई नहीं रहा, तो वो गुस्से में उस लड़की से लड़ाई करने जाती है। उन दोनों में काफी फाइटिंग होती है, दोनों एक दूसरे के साथ स्वॉर्ड से लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राया का पेट वो छोटा बच्चा और वो वॉरियर जेम का एक एक पीस लिए हुए सबको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अंदर कैसल में राया की और उस लड़की की काफी लड़ाई हो रही होती है और राया उस लड़की को मारने वाली होती है कि उसकी नजर बाहर पड़ती है। वो देखती है कि पूरा शहर तबाह हो रहा है, हर तरफ एविल स्पिरिट्स ने अटैक कर दिया है। राया फौरन से बाहर जाती है अपने लोगों को पत्थर से बचाने के लिए, और अंदर हम देखते हैं कि उस लड़की की मदर को भी वो एविल स्पिरिट्स पत्थर का बना देती हैं। तो तब उसे एहसास होता है कि हम किंगडम एक ही थे, हमारा अगर कोई दुश्मन था तो वो एक ही, ये एविल स्पिरिट्स। उसे काफी दुख होता है कि काश मैं अगर पहले समझ जाती तो मेरी मदर भी पत्थर की ना बनती। जब उस पर खुद ये बीतती है तो वो खुद भी राया का साथ देने लगती है और फिर बाहर जाकर उसी जेम के पीछे लोगों को प्रोटेक्ट करने लगती है। यहाँ पर राया को अचानक से याद आता है कि जब इन एविल स्पिरिट्स का हमला बढ़ गया था तो उन सारे ड्रैगन्स ने इस जेम में अपना अपना प्यार डाला, अपना ट्रस्ट डाला था, तो हमें ऐसा ही करना होगा। वो अपने सब साथियों से कहती है कि पत्थर का हर टुकड़ा यानी इस जेम का हर पीस दूसरे किंगडम इस लड़की को दे दो, लेकिन सारे कहते हैं कि नहीं, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो राया कहती है कि हमें करना होगा, और इसी के साथ वो अपने जेम का टुकड़ा उस लड़की को पकड़ा देती है और उससे कहती है कि सब टुकड़ों को मिला के तुम्हें इन एविल स्पिरिट्स को हराना होगा। उसके साथी नहीं मानते और वो टुकड़ा नहीं देते, और इसी दौरान बेचारी राया खुद पत्थर की बन जाती है। जब सब लोग ये देखते हैं कि राया ने अपनी जान की कुर्बानी देकर उन्हें बचाने की कोशिश की है, तो वो सब राया की बात मानकर उस लड़की पर ट्रस्ट करके उसे पत्थर पकड़ा देते हैं, यानी वो जेम पकड़ा देते हैं। वो लड़की जेम का हर हिस्सा जोड़ने लगती है, लेकिन इसी दौरान एविल स्पिरिट्स उन सबको पत्थर का बनाती रहती हैं। जैसे ही वो जेम कंप्लीट हो जाता है, उसके पांचों हिस्से आपस में जुड़ जाते हैं, तो उस लड़की को भी एविल स्पिरिट्स पत्थर का बना देती हैं। और फिर उसके जुड़ते ही कुछ ही देर बाद वो जेम चमकने लगता है। वो जेम काफी ज्यादा ब्राइट हो जाता है और उसमें से कोई एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी उन सब एविल स्पिरिट्स को मार देती है। और तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है, इसकी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से सारे पत्थर के लोग ठीक होने लगते हैं। और मजे की बात ये थी कि इसकी वजह से ड्रैगन्स भी जिंदा हो गए थे। बारिश होने की वजह से और ड्रैगन्स के वापस आने की वजह से नदियाँ भी भरने लगती हैं, रिवर में भी पानी आ जाता है और सब ड्रैगन्स यहाँ डांस करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे ड्रैगन्स और इंसान आपस में मिलते हैं, और जिन जिन की फैमिली पत्थर की बन चुकी थी वो लोग भी अपनी फैमिली से एक हग करते हैं, सारे काफी खुश हो जाते हैं। और फिर राया भी अपने फादर से मिलने जाती है। राया के फादर उसे इतना बड़ा देख के काफी खुश हो जाते हैं और उन्हें अपनी बेटी पर प्राउड होता है। और तभी वहाँ पर सीसू भी आ जाती है, जो कि उनसे कहती है कि चीफ, मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। उसके पीछे से बाकी ट्राइब के लोग भी वहाँ पर आ रहे होते हैं, जिन्हें चीफ और राया ने काफी इम्प्रेस किया था, वो उनसे सुलह करने आए थे। और यहाँ हम देखते हैं कि वो जेम भी एक साथ हो गया था, और ये सारे किंगडम के लोग भी, चीफ और राया और सीसू को हम कैसे भूल सकते हैं, वो लोग काफी खुश थे। यानी एक दूसरे पर ट्रस्ट करने से, एक दूसरे का ख्याल रखने से, प्यार करने से सब चीजों को ठीक किया जा सकता है, और अगर हम साथ हैं तभी एक पावर है। अलहता हम कुछ भी नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।